आरोपी से 80,000 नगद, 2 मोबाइल व लाखों रुपए का हिसाब की पर्ची जब्त की है। दरअसल पुलिस द्वारा जुए और सत्य के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। CSP विनोद मीणा ने शाम को कार्रवाई करते हुए नागझेरी थाने में सत्ता संचालित करने वाले को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शिवांश एवेन्यू कॉलोनी में एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहां विनोद कुमार मीणा के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना नागझेरी पुलिस की मदद से शिवांश एवेन्यू कॉलोनी में दबिश दी। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहां एक शख्स सट्टे का अवैध कारोबार कर रहा है। जब पुलिस ने दबिश दी तो मौके से आरोपी सट्टे का अवैध कारोबार करता हुआ पकड़ाया, जिसके पास से 80,000 नगद, 2 मोबाइल, 2 कैलकुलेटर, लाखों रुपए का हिसाब मिला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। के निर्देशन में वर्तमान में जुआ सट्टा पर लगातार कार्रवाई की जा रही, इसी के तारतम्य में आज दिनांक को सूचना मिली थी कि शिवांश एवेन्यू नागझेरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति है जो अपने घर से सट्टा संचालित कर रहा। इस सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच प्रभारी श्री विनोद कुमार मीणा साहब एवं नागझेरी थाना स्टाफ की संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें दबिश दी गई। वहां से एक व्यक्ति को सट्टा पर्ची समेत व मोबाइल पर मिला लिखते हुए, जिसमें 80,000 रुपये वहाँ मौके से जब्त किए गए और 2 कैलकुलेटर। देर रात नीलगंगा कलाली के पास रुपए के लेन देन में हुए विवाद में गोली चलाने की सूचना आती रही। इस घटना में एक व्यक्ति घायल भी हुआ। हालांकि पुलिस अधिकारी गोली चली है या नहीं इसे लेकर संशय की स्थिति में थे। माधवनगर CSP विनोद कुमार मीणा ने बताया कि उधारी के रुपए के लेन देन को लेकर नीलगंगा कलाली के पास मोहित दत्ता का विवाद तरुण अहिरवार निवासी हनुमान मंदिर के सामने से हुआ था। विवाद में मोहित घायल हुआ है, चिद्या अस्पताल में भर्ती करवाया है। मीणा बोले कि गोली चलने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने घायल के घाव को देखकर आशंका जताई है कि यह गोली लगने का निशान नहीं है, बावजूद जांच जारी है। आरोपी तरुण को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ में सच्चाई सामने आएगी। घटना नीलगंगा की है। मैंने तरुण अहिरवार से 10,000 रुपये ब्याज पे लिए थे और उसने नीनी करके मेरे से 60,000 रुपये कुछ ले लिए थे और 1,00,000 कुछ अभी और मांग रहा था वो। तो मैंने बोला मेरे में इतनी क्षमता नहीं है देने की, ना मैं कमाता हूँ ना कुछ है। तो उसके बाद वो मेरे से बोल रहा था, वो 2 ही हाथ ऊपर कर, मैंने दोनों हाथ ऊपर करे इतने में उसने गोली चलाई और भागने लगा। आरोपी से 80,000 नगद, 2 मोबाइल व लाखों रुपए का। करीब 7 साल बाद हो रहे पंचायत और नगर निगम चुनाव को देखते हुए प्रदेश पुलिस के मुखिया DGP सुधीर कुमार सक्सेना कानून और व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी के चलते बुधवार की रात DGP उज्जैन पहुंचे। गुरुवार सुबह DGP पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। यहां IG संतोष कुमार सिंह, DIG अनिल कुशवाहा, SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने उनकी अगवानी कर स्वागत किया। इसके बाद DGP ने SP कार्यालय और रेडियो शाखा का निरीक्षण किया। बाद में DGP ने पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था एवं अपराधों की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए DGP ने कानून और व्यवस्था सहित अपराधों की रोकथाम के लिए उज्जैन पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल की पीठ थपथपाई। इस दौरान DGP ने साफ किया, एंटी माफिया अभियान इसी तरह सख्ती से पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। माफिया कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सूचना के आधार पर उज्जैन पुलिस ने कोविड के दौरान बहुत ही अच्छा कार्य किया, जनता की सेवा की और कोविड को नियंत्रण में बहुत सहयोग किया प्रशासन को और सभी लोगों को। उज्जैन में पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए, उसको भी उज्जैन पुलिस ने सफलतापूर्वक संपन्न कराया। हमने देखा कि कोविड के बाद जो भी आयोजन हुए हैं उसमें बड़े उत्साह से लोगों ने भाग लिया और काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग पहले से ज़्यादा आए, लेकिन उन सबको सफलतापूर्वक संपन्न कराया। हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति महोदय की विजिट हुई थी,
उसको भी उज्जैन पुलिस ने सफलतापूर्वक संपन्न कराया। अपराधों की यदि दृष्टि से हम देखें तो उसमें भी संतोषजनक काम किया है उज्जैन पुलिस ने। आज बैठक के दौरान मैंने उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं से अवगत कराया तथा जो माफिया विरुद्ध अभियान चल रहा है, किसी भी प्रकार का माफिया हो, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और सभी प्रकार के माफिया को। देश की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 की परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया था। 2021 के परिणाम में कुल 685 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। 685 उम्मीदवारों में से उज्जैन के 5 उम्मीदवार अपनी रैंक हासिल किए हैं। देश में एक बार फिर उज्जैन का नाम रोशन हुआ है। डीएसपी के पद पर पदस्थ सोनू परमार ने 501 रैंक प्राप्त की है। उज्जैन की महिला अपराध शाखा में पदस्थ डीएसपी सोनू परमार ने ड्यूटी के साथ कड़ी मेहनत कर अपना मुकाम हासिल किया है। महिला अपराध शाखा में पदस्थ डीएसपी सोनू परमार को भी यूपीएससी में देश भर में 501वीं रैंक हासिल हुई। मूल रूप से शाजापुर जिले के शाजापुर की रहने वाली सोनू परमार ने बताया, वर्ष 2016 में उन्होंने पीएससी पास की थी, जिसके बाद डीएसपी के रूप में उनकी पहली पोस्टिंग सीहोर में हुई। इसके बाद अक्टूबर 2020 से वह उज्जैन में पदस्थ हैं। सोनू ने बताया, शुरू से ही उनकी रुचि यूपीएससी में थी। कुछ परिस्थितियों की वजह से वह बीच में परीक्षा नहीं दे पाई, लेकिन जॉब के साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उन्होंने पढ़ाई लगातार जारी रखी। परिवारजनों और वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से 5वें प्रयास में उन्हें यह सफलता मिली। डीएसपी सोनू परमार के पति धर्मेंद्र शुजालपुर में ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हैं। सोनू का 6.5 वर्ष का बेटा निर्वाण है। सोनू परमार ने चर्चा में बताया कि पिताजी बीएससी की परीक्षा पास नहीं कर सके थे और उनका सपना आज मैंने यूपीएससी परीक्षा पास कर पूरा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कानून मैंने जब सिविल सर्विसेज की तैयारी की तब स्टेट पीसीएस की तैयारी के साथ मेरी तैयारी शुरू हुई थी, लेकिन तभी से मेरे मन में था कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, यूपीएससी की तैयारी करना है। वो उस समय से मेरी तैयारी में वो इंक्लूडेड था और कहीं ना कहीं वही जो है बेस बना मेरा। और जब जब मुझे ड्यूटी के दौरान टाइम मिला, छुट्टियाँ मिली, तब भी मैंने अपनी अपने समय का पूरा उपयोग किया और अपनी तैयारी की। मैंने किया जनता की सेवा की और कोविड को नियंत्रण में बहुत सहयोग किया प्रशासन को और सभी लोगों को। उज्जैन में पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए, उसको भी उज्जैन पुलिस ने सफलतापूर्वक संपन्न कराया। हमने देखा कि कोविड के बाद जो भी आयोजन हुए हैं उसमें बड़े उत्साह से लोगों ने भाग लिया और काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग पहले से ज़्यादा आए, लेकिन उन सबको सफलतापूर्वक संपन्न कराया। हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति महोदय की विजिट हुई थी, उसको भी उज्जैन पुलिस ने सफलतापूर्वक संपन्न कराया। अपराधों की यदि दृष्टि से हम देखें तो उसमें भी संतोषजनक काम किया है उज्जैन पुलिस ने। आज बैठक के दौरान मैंने उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं से अवगत कराया तथा जो माफिया विरुद्ध अभियान चल रहा है, किसी भी प्रकार का माफिया हो, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और सभी प्रकार के माफिया को। उज्जैन की हाईराइज बिल्डिंग देवास रोड पर शिवांश सिटी, शिवांश वैली सहित कई कॉलोनियों के सौगात शहर को देने वाले जाने माने बिल्डर और कॉलोनाइजर सुशील गिरिया की अब हाइलाइट्स ही बची है। दरअसल गुरुवार को उनका अचानक निधन हो गया। गुरुवार की सुबह रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पर गए और घर लौटे। घर आते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे अचेत हो गए। घर वाले आनन फानन में उन्हें उज्जैन हार्ट हॉस्पिटल लेकर गए, पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और पिछले करीब 2.5 दशक में विकसित हुए कॉलोनी कल्चर में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कॉलोनाइजर और बिल्डर सुशील गिरिया इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे और उनकी हाइलाइट्स ही बची थी। दरअसल सुशील गिरिया कॉलोनाइजर और बिल्डर होने के साथ ही श्री त्रिस्तुतिक जैन श्री संघ से जुड़कर समाज सेवा का कार्य भी करते थे। महज 55 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। परिजनों के मुताबिक वे मॉर्निंग वॉक पर गए थे और घर लौटे थे कि अचानक उन्हें हृदयाघात हो गया।
तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि गिरिया रोज कोठी रोड जाते थे। बताया जाता है कि गिरिया का 31 मई को जन्मदिन भी था। गुरुवार भ्रमण के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मिल गए, जहां जन्मदिन का जिक्र आने पर गिरिया के मित्र केक ले आए और जन्मदिन भी मनाया गया। कुछ देर हंसी मजाक के बीच फोटो भी लिए गए। गिरिया भ्रमण के बाद करीब 7:45 राजस्व कॉलोनी स्थित अपने घर पहुंचे और अचेत हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अंतिम यात्रा 4:00 नवचेतन परिसर राजस्व कॉलोनी से निकली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।